रे 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 क्या बात है, क्या बात है, बजाओ ताली यार एक बार जोरदार। आनंद जी भाई आप हमें बताएं, ये जो इतना कमाल का गाना है इसके पीछे की कोई ऐसी कहानी ऐसा कुछ है? कहानियों से ही तो गाने बनते हैं ना। बिल्कुल। लैला में लैला ये गाना जो है फिरोज साहब का, फिरोज खान जो डायरेक्टर भी खुद हैं, प्रोड्यूसर भी खुद थे और हीरो भी खुद थे, तो हावी कौन हो सकता है। प्रोड्यूसर सोचता है कि पैसे बचाओ, डायरेक्टर बोलता है कि मेरे को परवाह नहीं, जो मुझे करवाना है करवाऊंगा मैं। तो ये गाना जब बन रहा था तो हर वक्त उन्होंने पैसे की परवाह नहीं की। फिरोज जी का ये था कि गाना मुझे आई वॉन्ट द बेस्ट थिंग, व्हाट आई वांट द बेस्ट बेस्ट। तो कविराज हिंदी वर्ड जी गाना लिख रहे थे। कविराज को रोमांटिक गाने अच्छे अच्छे बहुत अच्छे लिखते, लेकिन डिस्को में कभी गए नहीं थे ना तो वो फंस गए बेचारे। मैं बोले एक काम करिए, डिस्को में मैं भी नहीं गया लेकिन आप खिसक जाते अभी, मैं इनको कल बोलता हूँ कल आइए। मैं बोला म्यूजिक पॉल पर कल आइए आप और फिरोज जी आप गाना बना देंगे। वो आए आके बोले, तो मैं बोला कविराज वो गाना क्यों नहीं सुनाते, अब उनके पास हो तो सुना है ना तो बोलो कौन सा गाना, बोले वो अपना पहले यार रिदम बजाओ भाई रिदम बजाओ। तो रिदम शुरू हो गया टिक टक गुडु टिक टक गुडु गुडु शुरू हो गया। तो मैं बोला लैला में लैला ऐसी हूँ लैला, दिस इज व्हाट आई वांट, कविराज यू आर वेस्टेड माय टाइम। उन्होंने पक्का कर लिया, ये कर लिया। तो हिंदी वर्जी बोलते क्या यार तुम लोग बनिए, लोग समझ में नहीं आता क्या करवाते हो। उसको प्रोड्यूसर को डायरेक्टर को अपने पटा लिया, लैला लैला क्या होता है। बोला कविराज कभी कभी दिमाग भी चलाओ। तो बोले क्या है, बोले इसकी बेटी का नाम है लैला। मैं बोले जब उसकी बेटी का नाम लैला तो उसको तो पसंद ही आएगा ना, क्या ठीक है ना। फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.